नमस्कार, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं का इतिहास ज्ञान बहुत ही कमजोर है, बहुत सीमित है, इसीलिए वो अजीबोगरीब दावे करके देशवासियों को भ्रमित करते रहते हैं। मसलन कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिकंदर महान पटना तक आया था, बिहार तक आया था, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। सच्चाई क्या है? इतिहास क्या कहता है? क्या सचमुच में ऐसा हुआ था? क्या चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हराया था और हार कर सिकंदर वापस अपने घर लौट गया था? आज हम इन्हीं तथ्यों की परख करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुन्यानी। प्रोफेसर पुन्यानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रोफेसर पुन्यानी, मैं चाहता हूं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त, इन दोनों का जो काल है, पीरियड है, वो स्पष्ट कर दें तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम आगे बातचीत कर सकते हैं। जी जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका पीरियड अगर हम स्पष्ट कर दें तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब अंग्रेजी में जिसे कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन इरा, जिसको पहले BC कहते थे, बिफोर क्राइस्ट कहते थे, अब बिफोर कॉमन इरा कहते हैं। तो सिकंदर जो आया था वो BCE 325-26 में आया था, और उसने जो पहले उसकी लड़ाई हुई खैबर के दर्रे से आया, तो अंबी के राजा और इधर जो औरस थे इनके साथ उसकी लड़ाइयाँ हुई, तो उसने पहले राजा को हरा दिया, पौरस को भी हरा दिया, पर पौरस की वीरता से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने पौरस को अपना सहयोगी बना के उसको उसका राजपाट वापस दे दिया। अब वो आगे जाना चाहता था, आगे पर जाने के लिए उसकी फौज ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि नंद राजा, उन्होंने जो सुना था कि नंद राजा की फौज बहुत बड़ी है, वो बहुत बहादुर हैं और उस तरफ जाके हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, 10 साल से ये लोग सैनिक अभियान पे थे, सिकंदर की पूरी फौज, तो थक चुके थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होम सिक, अपने घर जाने के लिए लालायित थे। तो सिकंदर ने उनको बहुत प्रेरित करने की कोशिश की और आखिर में उसने कहा, मैं दुश्मनों से तो नहीं हारा पर अपनी फौज के मनोबल से ही हार गया, और वहां से उसने BC 326 में जब वो आया तो BC 325 325 में वो वापस चला गया। अब जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य इस एरिया में जब आया तो BCE ये बिफोर क्राइस्ट 324 में आया, यानी जब तक वो आया तब तक सिकंदर जा चुका था। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने राज्य का पूरा विस्तार कर रहा था और उसने मेरे ख्याल से इस भूखंड का सबसे बड़े राज्य पर राज्य राज किया, और वो जब आया तब सिकंदर का एक जो सेनापति था सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और उसी के साथ साथ जो बहुत सारे सेनापतियों को उसने अलग अलग, अब जाते समय उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे राजाओं को या सेनापतियों को राज्य देकर हो गया, उन लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो आमना सामना चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का हुआ ही नहीं, उसमें एक साल का फर्क है, जो आप इतिहास का पीरियड कह रहे हैं, एक साल का फर्क है इसके जाने का और इनके आने का। तो मतलब जब सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आया, मतलब हिंदुस्तान तो हम क्या कहें, उस समय जो भी ये भूखंड था इस तरफ आया, तो उस समय मगध में या जिसे पाटलिपुत्र या जो जो भी एक राज्य था वहां पर नंद वंश का शासन था, वहां पर तब चंद्रगुप्त शासन में ही नहीं थे, राज पाट उन्होंने संभाला ही नहीं था, बल्कि नंद वंश को ही नेस्तनाबूत करके चंद्रगुप्त सत्तारूढ़ हुए थे, शासनारूढ़ हुए थे, सिंहासनारूढ़ हुए थे, तो उस दौरान वहां पर नहीं था। तो एक बात ये बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त का कोई आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए एक दूसरे को हराने का कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरी बात ये
कि चंद सिकंदर ने चंद्रगुप्त या उसके पहले जो नंदवंश का राज था उस पर भी हमला नहीं किया नहीं किया। जी, क्योंकि ये उसके तो देखिए, जनरल ने मना कर दिया कि हम आगे लड़ेंगे ही नहीं। जी ये सिकंदर जो आया वो तक्षशिला, तक्षशिला और चेनाब, झेलम चेनाब तक आया। तक्षशिला में उसने, जी बल्कि व्यास तक आ गया, व्यास नदी जी तक आ गया था, वहां से लौट। जी तो उसने पहले अंबी को हराया, फिर पोरस को हटाया, हराया। और उसके बाद एक्चुअली उसकी सेना तो ये मानती थी कि इधर नंद वंश का ही राज है, तो और उन्हें नंद वंश का ये बहादुरी के बारे में बहुत सुना हुआ था, और वहां से आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो सिकंदर को, वही सिकंदर को लगा, मैं तो भाई कहाँ से, उसने शुरुआत जो की थी, पहले ईरान को हराया, इराक पे कब्जा किया, फिर खैबर के दर्रे से इधर तक आया, झेलम चिनाब तक आया, तो उसको लगा मैं तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। उसका ख्वाब, यानी राजाओं के ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं ना, जितनी बड़े राज्य में जी, राज्य की, उतना मैं बड़ा राजा हूँ, उतना और ये उस हूँ। तरह की भविष्यवाणी भी की गई थी सिकंदर के बारे में, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी और 30 साल की उम्र में मर भी गया था। लौटते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी, उस समय उसकी उम्र केवल 30 साल थी। तो वो सपने देखने वाला था विश्व विजय का, और उसके उसके बारे में इस तरह की वहां के लोगों ने भविष्यवाणी भी की थी कि ये विश्व विजेता होगा। जी, और उसमें देखिए भारत की तरफ आने का उनका बहुत आकर्षण था। उनका एक जो फिलोसोफर, इतिहासकार हेरोडेटस था, उसने बता के रखा था कि भारत में बहुत समृद्धि है, यहाँ बहुत सारी तकनीकी, उस समय के हिसाब से तकनीकी विकास बहुत है। तो उसने भारत का एक बहुत बड़ा आकर्षण उनके लिए पैदा किया हुआ था, जिसके चलते अब वो विश्व विजय की भविष्यवाणी किसी ने की होगी, पर ये तो इतिहासकार था, फिलोसोफर था, उसने बताया कि भारत में इतनी इतनी समृद्धि है, जिसके चलते वो अपनी फौज का मनोबल बढ़ाकर यहाँ तक आ सका। अब फौज तो फौज होती है, उसमें तो कोई सिद्धांत लागू नहीं होते, तो यहाँ आकर सिकंदर को बहुत एक तरफ से गौरवान्वित महसूस हुआ कि ईरान पे तो मैंने कब्जा किया, और ईरान के अभी बड़े एरिया पर मेरा कब्जा हो गया है, जो खैबर के दर्रे से आया, तो उसने दो जगहों पे, जो झेलम तक चेनाब तक जो आया, तो उसका उसको बहुत गर्व महसूस हुआ। पर बस वहां उसकी खत्म हो गई। आप 10 साल तक लड़ रहे हैं, तो कौन सी फौज है जो 10 साल के बाद भी दूसरे दुश्मन का, जिसके बारे में वो जानते हैं कि वो शक्तिशाली दुश्मन है या जो भी है, तो उसके साथ आके लड़ने की कौन सी फौज की ताकत होगी? तो ये तो सिकंदर का अपना एक गढ़ा हुआ जो था कि वो विश्व विजेता बनेगा, जिसके कारण वो यहाँ तक आ गया, नहीं तो वो भी मेरे ख्याल से थक तो गया होगा, और जाते जाते इसी कई कारणों से बीमार होकर वो बेबीलोन में उसकी मृत्यु होगी। पर मैं आपको एक दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ, जो हम राजाओं और इसकी महानता की बात करते रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी, उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पूरे अफगानिस्तान तक किया, पर बाद में इतना शासन करने के बाद, और उसके दौरान कुछ चीजें हैं जो हमारे आगे के समझने में भी काम में सकती हैं। पहले तो जो वैदिक परंपराएं थी बलि देने की, और दूसरी वो परंपराओं को उसने रोका नहीं, उसने उसको चलने दिया। दूसरा, उस समय ये तीन धर्म जो चलते थे, वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, और आजीविकास, आजीविका ये एक श्रमण धर्म है, उसका भी उस समय प्रचलन था। अब हुआ यो, इतने साल तक राज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भी खुद वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उसने जैन धर्म स्वीकार करके एक जैन मुनि के रूप में राजपाट को त्याग दिया, और दक्षिण भारत में जाके जैन परंपरा के अनुसार जो मृत्यु तक आमरण, उपोषण वो उसने किया, जी जिसके कारण उसकी मृत्यु। ये बात भी मुझे उसके इतिहास में बड़ी मजेदार लगी। पर खैर, उसको अभी जो बताने की कोशिश है, वो नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा हिंदुओं का प्रतिनिधि के रूप में बताना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसने जो राज्य किया उसमें सभी धर्मों का प्रचलन था, बौद्ध, जैन, वैदिक और आजीविका, और वो बाद में खुद एक जैन मुनि बन गया, और उसने अंत में सब राजपाट त्याग दिया, अपने बेटे को सौंप दिया, और खुद जाकर संन्यास लेकर उसने मृत्यु को ग्रहण किया।
जी, तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3-4 साल पहले कहा था कि बिहार तक आया था सिकंदर। तो आप ये मान लीजिए कि पंजाब में जो चनाब नदी है, जी ब्यास नदी तक भी आया था, वहां से वो लौट गया था, उसके आगे आया ही नहीं था। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बिहार गया था और फिर सिकंदर से कोई लड़ाई हुई थी, क्योंकि सिकंदर भी उस समय था नहीं। अब इसी विवाद से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है, वो है कि महान क्यों कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, लेकिन चंद्रगुप्त को द ग्रेट क्यों नहीं कहा जाता है? द ग्रेट कहने का या महान कहने का ये जो तमगा है, ये कुछ लोगों को क्यों दिया गया है, बाकी को क्यों नहीं दिया गया है? इसका क्या आधार रहा है? हिस्टोरियन किस तरह से ये तय करते रहे हैं कि ये राजा महान है और बाकी सामान्य है? अब देखिए, इतिहासकारों ने कौन से मानदंड लगाए ये उनकी शक्ति के अनुसार से और उनके मानदंडों के आधार पे होता है। जैसे अभी बहुत कई लोगों को पद्मश्री मिल जाता है, कई लोग उससे ज्यादा काम करते हैं तो भी पद्मश्री नहीं मिलता। ये मैं एक मजाक की बात कर रहा हूँ। अब इतिहासकारों ने किस कारण से सिकंदर को महान कहा, हो सकता है उसने अपने कहाँ ग्रीस से निकला और कहाँ पंजाब तक आया, इतने राज्यों की विजय प्राप्त की, शायद इसके लिए कहा होगा। और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ये यहाँ होने वाले राजाओं के साम्राज्यों में बहुत बड़ा साम्राज्य था। अशोक का साम्राज्य भी बड़ा था, इसका भी बड़ा था। तो इतिहासकारों ने कुछ चीजों को पॉपुलराइज किया है और उसको बिना किसी आलोचना के बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब किस राजा को महान कहना चाहिए? अगर आज मैं इस मानदंड को देखूं तो मैं शायद उस राजा को महान कहूंगा कि जो अपनी प्रजा की देखभाल करता है, प्रजा के खाने पीने जीने नौकरी और चीजों का इस्तेमाल करता है, वो मेरे मानदंड होंगे। पर इतिहास में जाकर हम जी अपने मानदंड लगाने वाले कौन है? तो इतिहासकारों जी ने अपने अपने मानदंडों के आधार पर 3 राजाओं को ग्रेट कहा है। जी तो ये क्या ये आधार ये है कि किस राजा ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती, ये मुख्य आधार बना लिया गया इतिहास में, एक परंपरा बन गई। फिर बाद में परंपराएं बदली और इतिहासकारों ने जब इतिहास को दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया तो ये महानता के जो तमगे हैं वो बांटना बंद कर दिया। तो ये पहले ही, और सिकंदर ने लंबी लड़ाई, 10 साल में इतने बड़े भूभाग पर अगर उसने आक्रमण किया, कब्जा किया, इसलिए कोई बहुत अच्छा राजा था इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसने तो उस तरह से राज किया ही नहीं अपने राज्य में, वो तो लड़ाई ही लड़ता रहा 10 साल तक। तो ये और जी सम्राट अशोक की बात है, जहां तक महानता का चमका जो दिया जाता है, उसकी वजह यह है कि उनका जो धर्म चरित्र परिवर्तन हुआ था कलिंग की विजय के बाद, और उनमें जो करुणा का भाव, परोपकार का भाव पैदा हुआ, बौद्ध धर्म को अंगीकार करके उन्होंने जिस तरह से शांति की राह पकड़ी, शायद इस वजह से। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला राजा था, इसलिए शायद उसको महान कहा जाता है। औरंगजेब का राज भी अकबर से बड़ा था, लेकिन बहुत कम लोग उसको ग्रेट कहते हैं। उधर जी चोल राजाओं में भी कई राजा ऐसे थे जो ग्रेट की श्रेणी में माने जाते थे, जिन्होंने बड़ी नौसेना गठित की और मालदीव वगैरह पर जाकर राजकाज फैलाया। तो ये इतिहास की अपनी, इतिहासकारों की अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, जो बदलती रही, जिसकी वजह से महानता। अब इसमें अगर आप एक धार्मिक नजरिए से कि चंद्रगुप्त को क्यों नहीं कहा गया, ये पीड़ा ये है कि अकबर को महान क्यों कह दिया गया, ये शायद जी जो हिंदू मुसलमान वाली ग्रंथि है योगी आदित्यनाथ की, वो काम कर रही है। देखिए, अकबर के बारे में तो स्पष्ट है कि उसने जैसे सुलह कुल की बात की, दीन इलाही नाम का धर्म चलाया, तो उसके इसमें तो ये बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि वो मिलीजुली सभ्यता संस्कृति में विश्वास रखता था, जिसके कारण लोगों का आपस का जो मेल जोल था वो और गहरा हो गया, तो उसके बारे में भी स्पष्ट है। और जैसे आपने कहा, अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उसने अहिंसा के रास्ते से ही लोगों के साथ निगोशिएट किया, लोगों के साथ बातचीत किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो लोगों को ग्रेट कहने के अलग अलग कुछ न कुछ कारण जुड़े जा सकते हैं, पर आज की परिस्थिति में ये ग्रेट
जो शब्द है उनके नाम के पहले लगाना बहुत जरूरी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हमें राजाओं को तो मेरे ख्याल से उनके राज्य में उन्होंने किस प्रकार से सुव्यवस्था कायम की या राज्य में किस लोगों के जीवन को कितना आसान किया उसके आधार पर महानता का तमगा देना चाहिए। जो जो जैसे आपने बताया कि अकबर और अशोक के बारे में कुछ लागू भी होते हैं और कई लोग उसको मानते भी हैं कि दोनों ने एक विशेष प्रकार का योगदान दिया राज्य करने की तकनीक में। अब अलेक्जेंडर की बात तो अलग है, वो तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, पाश्चात्य इतिहासकारों ने उसको एक ये तमगा दिया, पर यहाँ के जो इतिहासकार हैं उनको भी ये अकबर और अशोक के बारे में कहना पड़ा क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं एकदम सामने आपको दिखती हैं जो दूसरे राज्यों के दूसरे राजाओं के राज्य करने के तरीके से बिल्कुल अलग थी, तो इसलिए वो कारण हो सकता है। पर मेरे ख्याल से इसको हमने जी बहुत ज्यादा तूल देना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। नहीं, और अगर आज हम चंद्रगुप्त को महान कहने भी लगे तो उससे चंद्रगुप्त को क्या फर्क पड़ेगा? या हम आप एक अतीत को महिमा मंडित करना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं, एक विचारधारा है जो चाहती है कि हम अतीत की तरफ देखें, अतीत में चले जाएं, अतीत में जीना चाहते हैं वो, उनको वर्तमान में तमाम तरह की बुराइयां दिखती है, वो भविष्य का सपना उनके पास नहीं है, वो अतीत में ही रहना चाहते, इसलिए अतीत को ही महिमा मंडित करने में लगे रहते हैं। और चंद्रगुप्त को लेकर जो शिकायत है उनकी ये भी है, चंद्रगुप्त को अगर महान कहा जाने लगेगा तो किसी दूसरे पुष्यमित्र शुंग को क्यों नहीं महान कहा जाता है, ये लेकर चले आएंगे और फिर झगड़ा शुरू कर देंगे, तो दिक्कत ये है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो धारणाएं बनाने की कोशिश हो रही है कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया था, सिकंदर बिहार गया था, ये तमाम धारणाएं गलत हैं। और जहां तक महानता का ताल्लुक है तो वो महानता कर्मों से जांची जानी चाहिए, राज्य के आकार से नहीं जांची जानी चाहिए, युद्ध में विजय प्राप्ति से नहीं जांचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी आवाम अपनी जनता के लिए क्या काम किए। तो इस चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुन्यानी आज की बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका और धन्यवाद आप दर्शकों का भी। उम्मीद है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो गई होंगी, और अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं ताकि हम आने वाली कड़ियों में उन पर चर्चा करें और आपकी शंकाओं को दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।